मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो करोड़ों के हीरो की ठगी किया करते थे। इस मामले में बीकेसी पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये ठगी पिछले साल मुंबई के बांद्रा इलाके में की गई थी। इन आरोपियों ने 1-2 नहीं बल्कि 23 हीरे के व्यापारियों को अपना शिकार बनाया था। पेशे से मुख्य आरोपी ब्रोकर है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापारियों से 26,91,00,000 का हीरा लिया था और पैसे बाद में देने की बात की, मगर इसके बाद इनका कोई पता नहीं चल सका। ये सभी गायब हो गए, जिसके बाद व्यापारियों ने 11 दिसंबर 2018 को बीकेसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों को ट्रैक किया जाने लगा। मगर ये इतने शातिर थे कि हमेशा बचने में कामयाब हो जाते थे। मगर पुलिस को खबर लगी कि मुख्य आरोपी यतीश पिचड़िया प्रयागराज के कुंभ मेले में साधु के वेश में छिपा हुआ है, जिसके बाद एक पुलिस टीम प्रयागराज के लिए रवाना की गई। वहां आरोपी के साथ साथ पुलिस ने भी डुबकी लगाई और ट्रेन में भी साथ साथ आए। जैसे ही आरोपी कल्याण रेलवे स्टेशन पर उतरने लगा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। कड़ी पूछताछ में उसने अपने 6 अन्य साथियों का नाम बताया, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 20 करोड़ के हीरे और 38,00,000 रुपया कैश बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 2 आरोपियों को पुलिस हिरासत में और 5 न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस बाकी के 5 करोड़ रुपयों की रिकवरी करने में जुटी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।